झकास भारत से मैं रविकांत। मैं अभी हूँ राष्ट्रीय स्वच्छा गृह संघ जो बना है उसमें। कई लोगों का मांग है कि उनको न वेतन पे समय पे मिलता है और ना ही कोई सेवा नियमित उनका किया गया है, मतलब कि उन्हें काम कराया गया फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अभी वो कई स्वच्छा गृह भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी अलग अलग मांगों के साथ, कई मांग 4, 5, 6, 7 मांगों के साथ अभी आपको दिख रहे होंगे। काफ़ी यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं और इनकी तादाद हजारों से भी ज़्यादा बताई जाती है। अभी हम बात करेंगे इसके स्वच्छा गृह के जो इसके सदस्य जो देख रहे हैं उन्हीं से कुछ अभी बात करेंगे हम। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं सर? बैठ जाइए। हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है प्रेरक स्वच्छा गृहियों का सेवा स्थायी किया जाए। दूसरी मांग है हमारा कि एक सम्मानजनक वेतनमान का निर्धारण हो और प्रेरक स्वच्छा गृहियों का बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजन हो। साथ ही हमारे जितने भी प्रेरक स्वच्छा गृही साथियों ने पूर्व में जो भी कार्य किया है उन तमाम किए गए कार्यों का अविलंब भुगतान हो। मतलब वेतन आप लोगों को कितना मिलता है, ऐसा कोई तय नहीं है? वेतन मान का वैसे फिक्सेशन इसमें नहीं है और हम लोगों को पहले रखा गया था किसी जिले में जा करके 6-6 हज़ार रुपया महीना करके दिया गया है, जो कि कहीं 12 महीना दिया गया है, 15 महीना 18 महीना तक भी लोगों का पेमेंट हुआ है प्रेरक स्वच्छा गृहियों का, और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि 1-2 महीना का भी नहीं मिला हुआ है। कितना संख्या हो गई है इसे आपकी? पूरे बिहार में जो प्रेरक स्वच्छा गृहियों की संख्या ये सरकार बता रही है कि 52,000 है लगभग, ठीक है, लेकिन एक्टिव स्वच्छा गृही जो कार्यरत है उन तमाम प्रेरक स्वच्छा गृहियों की जो संख्या है वह लगभग 30,000 है। हाँ, जो सक्रिय हैं। तो इन आप लोगों का मुख्य काम क्या रहता था, कोई बताएंगे? हम लोगों का जो मुख्य काम है वो मोटिवेशनल का था, पंचायत में जाकर के वहाँ के जनसमुदाय के बीच में रहते हुए मॉर्निंग इवनिंग फॉलोअप करना, उसके बाद प्री ट्रिगर बच्चों का रैली निकालना, रात्रि चौपाल करना, शौचालय निर्माण की तकनीकी जानकारी जनसमुदाय को देना, ये हम लोगों का मूल काम था कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जनसमुदाय को हम लोग प्रेरित करें। उस समय वेतन फिक्स नहीं किया गया कुछ जब आप लोग काम पकड़े तो? उस समय कोई फिक्स नहीं था, वेतन का कोई चर्चा नहीं, बोला था कि प्रति शौचालय 150 रुपये इंसेंटिव देंगे, लेकिन आज तक इंसेंटिव भी 150 रुपये प्रति शौचालय नहीं दिया गया। और भी जो काम कराते थे उसका भी पैसा मिलता था? उसका अलग से पैसा, 5 रुपये प्रति जियो टैगिंग का कह रहा था जो देंगे वो भी नहीं दिया। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या बता रहे थे सही से बताइएगा। ये हम लोग का जो वेतन मान निर्धारित था वो प्रति महीने 6,000 का था। अच्छा। और इसके अलावा भी पर शौचालय 150 रुपये की प्रोत्साहन माने राशि था, जितना हम पंचायत में अगर शौचालय बनवाएं तो उस पर हमारा 150 रुपया माने 6,000 का अलग से मिलेगा उसका अलग जोड़। हाँ, लेकिन अभी तक बिहार में किसी भी जिले में ये प्रोत्साहन राशि जो पर शौचालय 150 है वो नहीं मिल पाया। 6,000 फिक्स था? हाँ, वो 6,200 रुपये के रोज वो मिल रहा है कि नहीं? ना, वो कहीं कहीं 5 महीने के मिला, कभी 6 महीने के, किसी जिला में 1 ही महीने के मिला, माने हर एक जिले में अलग अलग तरफ से माने उसको पेमेंट किया गया, लेकिन बराबर नहीं। नियम तो एक होता है, ODF में पूरे बिहार का नियम एक होता है, गाइडलाइन एक होता है। ये बिहार सरकार का स्वच्छा गृह है कि केंद्र का? हम लोग तो माने केंद्र से योजना आती है। अच्छा। लेकिन हम लोग पारित हुए, बहाल हुए बिहार सरकार के जरिए से। जी जी, कोई भी अगर स्कीम आता है तो हमारे केंद्र से ही पारित होता है, वो सारे स्टेटों में लंच कर जाता है और इसके बाद बिहार सरकार हो या कोई स्टेट हो अपने अपने मुद्दे से चाहे जैसे बहाल कर उस कार्य को सफल बनाते हैं। और जिस भी प्रकार का काम रहता होगा वो आप लोगों को बताया जाता होगा? हाँ, उसका सिर्फ लैट्रिन बनवाने के लिए ही कि कोई अलग कार्य भी? हम लोगों का लैट्रिन बनवाना काम नहीं है बड़े भाई, मेन चीज है कि हम लोगों को मोटिवेट करना है, एक जनता को मानसिकता को चेंज करना है, उसको समझाना है कि बाहर जाने से कितनी बीमारियां होगी या मल पर अगर मक्खी बैठेगी तो वो हमारे घर में भी आएगी। अच्छा, कितने दिनों से मतलब आप लोगों को इसमें लाया गया स्वच्छा गृह के रूप में, कब से कार्यरत था? बिहार में लगभग 2016 से ही, मतलब तीन साल से। हाँ, 2016 से ही बिहार में लंच किया गया है और उसी दिन से आज तक हम लोग कार्यरत हैं
और कार्यरत तो हैं, लेकिन पेमेंट का भुगतान या प्रोत्साहन राशि समय पे नहीं होता है, या होता ही नहीं, मिलवे नहीं किया, कहीं एक महीना के मिला था, कहीं दो महीना के। कोई ड्यूटी का समय है कि इतना से इतना के बीच में करना है या घंटा? 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, 3 बजे सुबह से लेकर और रात के 12-1 बजे तक खटते रहे। तो अभी अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि कोई दूसरा भी? हम लोग तो काम पूरा कर चुके हैं, ओडीएफ तो सरकार 2 अक्टूबर को कर चुकी है, हम लोग तो काम कर चुके हैं टोटल। ये अलग अलग मांग बता रहे हैं, क्या बता रहे थे भैया? देखिए अभी तक जो है सरकार हम लोगों को जो है ना बहुत सारे कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है, चुनाव आता है तो चुनाव में भी शामिल कर लेता है एज ए वॉलेंटियर। जाओ कितने दिनों से यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग 26 तारीख से ही है, 26/11/2019 से, मतलब और लगातार आज 7वां दिन है। तो वह अपने अपने ढंग से उसके सदस्य और उसके क्रम काम करने वाले लोग बता रहे थे। अभी के फिलहाल इतना ही, झकास भारत चैनल देखते रहिए, धन्यवाद। नीतीश कुमार।